हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि घर के लिए इन्वर्टर और बैटरी का सिलेक्शन कैसे करें। अगर आप इन्वर्टर या बैटरी खरीदने जा रहे हैं आपके घर के लिए, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। इस वीडियो के अंदर आपको कहीं जरूरी चीज पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज, इन्वर्टर और बैटरी सिलेक्ट करने के लिए हमको हमारे घर का लोड पता होना चाहिए। अपने घर के उपकरणों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप इन्वर्टर पावर पर चलाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप दो बल्ब, दो फैन और एक टीवी इन्वर्टर पावर पर चलाना चाहते हैं। इन सभी को जोड़ लें तो मेरे घर का जो टोटल लोड्स हैं वह 184 वोल्ट हैं। आपको एक और चीज मल्टीप्लाई करनी है। जो भी लोड आता है उसे लोड के साथ में एक और पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कीजिएगा। इन सभी को जोड़ लें तो हमें लगभग 230 वीए के इन्वर्टर खरीदना चाहिए। तो बैटरी के सिलेक्शन करने के लिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है। हमारे घर का लोड्स मल्टीप्लाई कितने घंटे का हमको बैकअप चाहिए भाग करना है बैटरी वोल्ट से, और इसके बाद में मेरे को इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर टोटल हो गया है मेरा 95.83 एएच की बैटरी। अब दोस्तों, बैटरी भी हमको इसी साइज के नहीं मिलेगी, तो इस समय हमको क्या करना है, यानी इसके ऊपर जो भी बड़ा साइज आपको मार्केट में मिल रहा है वह बैटरी लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से इन्वर्टर बैटरी का सिलेक्शन किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना।